गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो सीरीज शुरू किया है कि कक्षा 10 का जो अनसॉल्वड है यूपी बोर्ड का 2020 के पेपर को हमने जो शुरू सॉल्व कराने की शुरुआत की है उसको हम आज जारी कर रखेंगे और आगे उसको आगे बढ़ाएंगे। जो आंशी सिंह का कमेंट है कि सर असहयोग आंदोलन है उसको समझाइए, तो मैंने कल समझाया है। कल का पेपर में सब जो प्रीवियस ईयर का जो मतलब 2020 का अनसॉल्वड करा रहे हैं उसमें बताया है। अगर उसमें ना समझ में आए, अगर उस पर पूरा वीडियो चाहिए असहयोग आंदोलन पे, तो एक बार कमेंट करना फिर से, तो उसको पूरा पूरा एकदम डिटेल में समझाएंगे। अन्यथा उसमें समझ में आ जाए तो ठीक ठीक है। और अमन अमन गेमिंग का कहना है सर मैं अमन गोड़, तो मैं उसको पहचान गया कि अमन गोड़ सवाईपुर का। तो धन्यवाद जो लोग जुड़े हैं साथ में। वो मेरे पहले पीढ़ी का छात्र है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो वो भी छात्र उसमें एक सम्मिलित है 2014 में। तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों को डाउट है कि 2020 में पेपर नहीं हुआ था, तो उनका डाउट मैं दूर कर देता हूँ। 2020 में हुआ था पेपर, 2021 में नहीं हुआ है। 2021 में नहीं हुआ था, लेकिन बाकी 2020 में हुआ था। तो याद रखना हम 2020 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन है था तो कल मैंने बहुविकल्पी करवा दिया था, और क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, अति लघुतरी में था, और दो कारण बताना था लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन को देखते चलना और आंसर कैसे लिखना ये भी सीख जाओगे। लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, आराम से समझेंगे। भले दो ही तीन क्वेश्चन समझेंगे लेकिन पूरे चैप्टर समझ लेंगे। जातिवाद क्यों घातक है। दो कारण लिखिए। ये क्वेश्चन लिख लेना, सब लोग आंसर भी इसका लिख लेना, ठीक है। तो देखो, पहले बात तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर लिखने के लिए जब भी एग्जाम में आ जाएगा, तो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो प्रश्न पहले तुम्हें जिसका आंसर पता हो पहले उसको लिखना, ठीक है। तो इसमें लिखना, इसका लिखना उत्तर करके लिखना, उत्तर मतलब वो दो कारण हेडिंग डाल के, दो कारण जो लोकतंत्र के लिए है, इसमें नंबर एक लिखना। पहले इसको समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर जनता का शासन हो, एक ऐसा देश जहाँ पर जनता के द्वारा सरकार बनती हो, उस देश को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। जैसे कि हमारा भारत है, लोक मतलब होता है जनता, सिविल, यानी कि जनता के द्वारा जहाँ पर सरकार चुने उसे कहेंगे लोकतंत्र। ये इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन में। और लोकतंत्र को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि जब सरकार चुनी जाती है तो बहुमत से चुनी जाती है, मतलब किसी खास विशेष व्यक्ति के द्वारा तो नहीं चुनी जाती है। देश की जनता जिसको सबसे अधिक वोट देती है वही पार्टी सरकार में बनती है। और लोकतंत्र में सरकार का ये कर्तव्य है कि वो देश का क्या करे, कल्याण करे, समानता लाए सभी के साथ, जो जिस व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति है उसको क्या करे, समानता में लाए, उस व्यक्ति को समान करे, और जो व्यक्ति में जो देश में अपराध हो रहे हैं उस अपराध को क्या करे, कम करे, जो भूखमरी है गरीबी है उसको दूर करे। इसे इस लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याण। लेकिन अब अगर हमारी सरकार किसी जाति विशेष के प्रति झुकी हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है लोक कल्याण, वो लोक कल्याण क्या हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी। जैसे समझ लीजिए कि इसका पहला एक तो इससे हानि हो जाएगी कि राष्ट्रीय एकता को भंग करता है। पहला तो जातिवाद से क्या हानि हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता को भंग करता है। राष्ट्रीय एकता को क्या करता है ये जातिवाद, भंग करता है। तो मतलब कि जैसे हमारे देश में है बहुत सी जातियाँ बनी हुई है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मणों में कई भी हो जाते हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, श्रीवास्तव हैं, लाला है, कुर्मी हैं, अहीर हैं, यादव पाल है, ये कुल कई जातियाँ हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ की जनता है अगर वो सरकार चुन रही है सिर्फ अपनी जातियों के आधार पर, जैसे मान लेते कि ब्राह्मणों ने वोट दिया सिर्फ एक पार्टी को और उसकी सरकार बनी, तो सरकार जब बनेगी तो खास तौर से जिस पार्टी ने उसे वोट दिया है उस पार्टी का कल्याण करेगी। तो जब उसी का कल्याण करेगा तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य था सभी का कल्याण करना।
लेकिन अब वो सरकार बनने के बाद तो केवल एक ही पार्टी, एक ही जाति पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य था वो क्या हो गया, बदल गया। फिर उसके बाद और क्या करती है, राष्ट्रीय एकता को क्या करता है, भंग करता है। लोग अब व्यक्ति जो होते हैं एक राष्ट्र विशेष के प्रति अपने आप को समर्पण न करके किसी जाति के प्रति क्या करते हैं, समर्पित हो जाते हैं। जो देश की जनता है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित न होकर किसी खास विशेष के प्रति समर्पित हो जाए, इसे हम कहेंगे कि वो राष्ट्रीय एकता को क्या करते हैं, भंग करते हैं। और दूसरा का कारण क्या हो जाएगा, दूसरा कारण है इसमें, यह समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक है। यह समाज की गतिशीलता, समाज की गतिशीलता और विकास में बाधक है। ये कैसे विकास में बाधक है भाई, जैसा कि आप लोग सब जगह देखते हैं कि जहाँ पर जिस जाति के लोग अधिक होते हैं, जिस जाति के लोग अधिक होते हैं तो अपने से कम जाति की संख्या वाले लोगों पे क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ पर ठाकुरों ने इन बस्ती में, दलितों के बस्ती में आक्रमण किया, या बहुत बार सुने होंगे कि अलग अलग जगह के अलग अलग जातियों के आधार पर आप सुनते होंगे कि आक्रमण होते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर समाज में गतिशीलता का मतलब होता है विकास की गति होनी चाहिए थी, समाज में गति होनी चाहिए थी कि लोग विकसित हो, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए थी, लेकिन सहयोग की भावना ना होकर के अब लोग क्या होने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति आक्रामक होने लगते हैं अपने वर्चस्व के लिए। तो जहाँ समाज में क्या होने लगता है, बिखराव होने लगता है। और जो अगर देश की जनता अगर विकासशील कार्यों में लगी रहती तो देश का विकास होता, लेकिन जातिवाद के कारण उनके विकास में क्या आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या होते हैं, लोकतंत्र के लिए जातिवाद बाधक है। एक तो क्या हुआ, इससे राष्ट्रीय एकता भंग होती है, और दूसरी क्या होता है, गतिशीलता और विकास में बाधक है। तो इसका आंसर लिखना था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरा, दूसरा क्वेश्चन था भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएँ लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर दो था अति लघु उत्तरी में, भारतीय लोकतंत्र, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है सब, राजनीति शास्त्र का, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। तो भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषताएं है भाई, तो भारतीय लोकतंत्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी विशेषता एक तो ये है कि लोकप्रिय संप्रभुता है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा, उत्तर होगा लोकप्रिय, दो विशेषता बताना, तो दो विशेषताएं क्योंकि अति लघु उत्तरी है, लोकप्रिय संप्रभुता, संप्रभुता है। यहाँ पर हमारा भारत क्या है, एक संप्रभु देश है। संप्रभु क्या होती है ये नहीं समझ आ रहा है, तो संप्रभुता को समझते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये ऐसे ही समझ लेते हैं, बस ऐसे ही समझ लो, ये हमारा बड़ा अजीब बन गया भाई, इतना गड़बड़ तो नहीं बनना चाहिए था, देश है अपना, देश है भाई। चलिए ठीक है, इतना समझ लीजिए, ये हमारा देश है, जैसे कि इंडिया, ये हमारा देश है। अब यहाँ पर एक देश जैसे कि अमेरिका है, अब मान लेते हैं कि भारत में कौन से काम करने चाहिए उसको आदेश कौन देता है, अमेरिका देता है, और हमारे भारत की सरकार उसको मानती है, तो इसे हम कहेंगे कि भारत एक संप्रभु नहीं है। अगर भारत किसी दूसरे देश की राजनीति सत्ता से मुक्त है तो हम कहेंगे कि भारत क्या है, संप्रभु है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत संप्रभु राज्य नहीं था भारत, क्योंकि भारत पर किसका शासन चलता था, ब्रिटेन का शासन चलता था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत क्या बन गया, संप्रभुता। तो भारत में क्या है, लोक संप्रभुता वाला देश है। भारत की लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि भारत एक लोक संप्रभु देश है, लोक संप्रभुता वाला देश है। पहले तो ये विशेषता हो जाएगा एक, तो मतलब भारत पर किसी दूसरे देश का शासन नहीं है, खुद का अपना संप्रभुता है। और दूसरा इसका एक और लिखना था, दूसरा एक और लिख सकते थे कि भाई इसकी एक और विशेषता क्या है, यहाँ पर राजनीतिक समानता है। कहोगे कि सर राजनीतिक समानता क्या होती है,
राजनीतिक समानता का मतलब है कि हमारे देश में किसी एक खास पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ हैं सभी को बराबर वोट चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी पार्टियों को, ये नहीं कि किसी एक पार्टी पर प्रतिबंध है कि भाई वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। जैसे चाइना में एक सिर्फ एक पार्टी चुनाव लड़ती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, तो वहाँ पर एक पार्टी है, वहाँ पर राजनीतिक समानता नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक समानता है कि सभी पार्टियाँ चुनाव लड़ती है और समान अधिकार से लड़ती हैं। ठीक है, तो ये दो बातें लिखनी थी भारतीय लोकतंत्र की विशेषता। तो भारत एक लोक संप्रभुता वाला देश है और दूसरी है राजनीतिक समानता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन इसमें आया था कि जर्मनी का एकीकरण, तीसरा क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जर्मनी के एकीकरण कब और कैसे हुआ, जर्मनी का क्वेश्चन था ये, जर्मनी का एकीकरण, एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया था। तो देखो, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था 1871 में। कब हुआ था, इसका उत्तर होगा, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। कब हुआ था, 1871 में, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1848 में, यूरोप में फ्रांस के बगल में जो देश है यानी स्विट्जरलैंड के ऊपर एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत में कुल 562 देशी रियासतें थे। ठीक इसी प्रकार से जर्मनी जो था, जर्मनी अगर यूरोप में देखोगे, जैसे जर्मनी है इतना बड़ा देश था, तो जर्मनी दो भागों में बटा था, एक इधर वाला कहलाता था पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी, और इधर कहलाता था पूर्वी, इधर का क्या कहलाता था, पूर्वी जर्मनी कहलाता था। इनमें आपसी एकता नहीं थी, सब अलग अलग राजा महाराजा सब थे, अलग अलग अपना शासन कर रहे थे। 1948 में यहाँ पर एक संसद चुनी गई, संसद मतलब समझते हो, जैसे हमारे देश की संसद कहाँ है, दिल्ली में, जहाँ पर पूरे देश के सांसद चुन करके कहाँ जाते हैं, दिल्ली में। तो 1948 में वहाँ पर सांसदों का चुनाव हुआ, तो विधायिका में जाकर के कहाँ बैठे, जर्मनी का जो पार्लियामेंट था वहाँ पर जाकर बैठे, और उसमें फैसला किया गया कि हम जर्मनी का क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। एकीकरण का मतलब होता है कि जो अलग अलग भागों में ये जर्मनी कई राज्यों में बटा था, कई राज्यों में, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी कई भागों में बटा था, इन सभी राज्यों को मिलाकर क्या किया जाएगा, एक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक किया जाएगा। तो अलग अलग राज्यों को एक करना क्या कहलाता है, एकीकरण। अलग अलग को एक करना एकीकरण कहलाता है। और ये 1948 में जब वहाँ के संसद का गठन हुआ, तो उसमें उन्होंने फैसला किया था कि 1848 में, और 1871 में इसमें इस एकीकरण में सबसे बड़ा जो भूमिका निभाया था उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था, इस नाम को याद रखना कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था 1871 में। आंसर मेरे याद रखना, इसलिए तुम लोगों ने हम लोग जिसे भारत में कहा जाता है ना कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत 562 रियासतों में था, उनका एकीकरण में सबसे बड़ा सहयोग किसने दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। और जर्मनी का 1871 में जब ये सम्राट था वहाँ का बिस्मार्क, इसने एकीकरण किया था। तो याद रखना कि 1871 में हुआ था, और किसने किया था, बिस्मार्क ने, और कैसे हुआ था, तो वहाँ की पार्लियामेंट जो 1848 में गठित हुई थी उसके द्वारा किया गया था, और उसका सम्राट कौन था, हे मुखिया जो था बिस्मार्क था, इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो था, अब इसके बाद आया था लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आया था, लघु उत्तरीय प्रश्न आया था। लघु उत्तरीय में थोड़ा सा आंसर बढ़ा करके लिखना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन था, चलिए अच्छा इसको लघु उत्तरीय प्रश्न को हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि एक वीडियो जब लंबा हो जाता है तो लोग देखते भी नहीं और समझते भी नहीं बात को, तो इसको दूसरे वीडियो में बनाते हैं हम। ठीक है,